Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कोर्सेज में बड़े नंबर से जुड़ने के लिए. आप में से कुछ लोगों को ईमेल्स नहीं आया होगा बिकॉज हम वी आर ओवरवेल्म्ड, तो इसलिए हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं. तो आज मैं वो सिस्टम मैंने वापस सेटअप किया है एंड होपफुली आज हमारा टीम आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा. वाओ, टुडे वी आर गोइंग फॉर ए वंडरफुल टॉपिक जिसपे आपको बहुत मजा आएगा, मुझे तो बहुत आनंद आने वाला है. सो आज हम महाभारत से सीखेंगे कि दुष्टों से कैसे निपटे. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते एंड वेलकम टू द शो. नमस्कार जी. आदित्य जी, आप कहां से विषय ढूंढ ढूंढ के लाते हैं? ये ही मन का विषय है. ये आपका विषय है. मैं आपने मुझे आपने दिया टॉपिक मुझे. नहीं नहीं, ये आप ही को सूझा है. और मेरे अचानक मैं बैठे खाली थी, पढ़ रही थी महाभारत का तीसरा खंड. उद्योग पर्व और भीष्म पर्व तीसरा खंड था. तो ये अचानक फ्लैश किया कि अपने हिंदुओं को जो इतनी चिंता है, सनातनियों को संसार भर में जो चिंता है तीन दुष्टों से निपटने की, वो तीन दुष्ट कौन है सबको पता है. ये तीन दुष्टों ने संसार भर के सज्जन संत लोगों का जीना हराम कर रखा है. तो आजकल भारत में एक शब्द बहुत चल रहा है, शत्रुबोध शत्रुबोध शत्रुबोध. अरे शत्रु तो कई प्रकार के होते हैं भाई. दुष्ट, नराधम, जिद्दी, अधर्मी, पापी, छल से आपका स्वत्व का संपत्ति का हरण करने वाला, ये शत्रु के प्रकार. तो सर्वश्रेष्ठ लोगों के वर्तमान में जो ऐसे ये तीन ऑर्गेनाइज्ड शत्रु हैं, इनसे निपटे कैसे भाई? बोध तो हो गया कि ये शत्रु है, निपटने का रास्ता क्या है. अंग्रेजों ने महाभारत बंद करवाया, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने, मीडिया ने, अकेडमिया ने महाभारत का पठन बंद करवाया. क्यों? महाभारत पढ़ते तो ये शत्रु धरती पर उगते और नष्ट हो जाते. ये ऑर्गेनाइज्ड होके खर दूषण की तरह उत्पात ना कर पाते. तो आज का जो विषय है, जिद्दी, धूर्त, छली, कपटी, दुष्टों से कैसे निपटे. और हमारे सामने तीन ऐसे, और मेरा शब्द पर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइज्ड दुष्ट हैं. इनसे निपटने के उपाय. तो महाभारत को प्रणाम. महाभारत पढ़ने की विधि है कि सर्वप्रथम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरेत्. नष्टकायो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. उसके दो श्लोक हैं टुगेदर. चलिए कोई बात नहीं, एक ही दिया है तो मैंने एक ही पढ़ा. तो अंतर्यामी नारायण, उनके श्रेष्ठ सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके जय विजय, ऐसे महाभारत का पठन करना चाहिए. इसका नाम ही है जय, जय हो. That's right. Hey. सनातनियों की जय हो. Hey. धर्म की जय हो. अधर्म का नाश हो. प्राणियों में सद्भाव हो. विश्व का कल्याण हो. इसलिए आज का ये वार्ता है. तो तृतीय पर्व में संक्षेप में कहानी बता दूं. महाराज पांडु वन को चले जाते हैं.
पांचों पांडवों का जन्म होता है, लौट कर आते हैं महाराज पांडु के स्वर्गारोहण के बाद महारानी कुंती लेकर आती हैं, यहाँ इनका शिक्षा दीक्षा होता है। शिक्षा दीक्षा के बाद अब लगता है युवा हो गए हैं, इनको बांटना पड़ेगा या इनको इनका राज्य देना पड़ेगा। तो छल पूर्वक लाक्षागृह कांड होता है। लाक्षागृह कांड के बाद अज्ञातवास से द्रौपदी को लेकर आते हैं। फिर होता है युवराज पद पर अभिषिक्त हो, युधिष्ठिर ज्येष्ठ हैं और राज्य भी पांडु का है, महाराज पांडु का है, संपूर्ण राज्य देना है। छल पूर्वक आधा राज्य ले लेते हैं और मूल राजधानी हस्तिनापुर से निष्कासन करते हैं। छल 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 खांडव प्रस्थ जाते हैं, उसको इंद्रप्रस्थ में बदलते हैं। फिर राजसूय यज्ञ संपन्न होता है, संपूर्ण जम्बू द्वीप के राजाओं को हराकर विराट रत्न स्वर्ण संपदा तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का संकलन होता है। और फिर इनका ऐश्वर्य देख के दुष्ट छली हठी कमजोर निर्बल पराक्रम में हीन दुर्योधन, जो अच्छी तरह जानता है हमको युद्ध में नहीं जिता सकते, इनको नहीं हरा सकते हैं, तो जुए का आयोजन होता है। जुए में युधिष्ठिर महाराज को हराया जाता है, द्रौपदी कथा होती है। फिर द्रौपदी के क्रोध की दवाग्नि से पूरी सभा सहम जाती है। धृतराष्ट्र को गांधारी को बोध हो जाता है पतिव्रता श्राप दे देगी तो संपूर्ण सभा जल के राख हो जाएगी। तुरंत धृतराष्ट्र पांचाली को मनाते हैं और वो कुल वधु कुल की मर्यादा का स्मरण करके इनको क्षमा करती है। तीन वर कहा, उसने केवल दो वर मांगा इंद्रप्रस्थ का राज्य और उससे दासत्व से पांचों पतियों की मुक्ति। पुनः छल पूर्वक बुलाते हैं और इस बार छल पूर्वक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। और इसको पूरा करके अत्यंत कठिनाई से ये लौटते हैं। अभिमन्यु उत्तरा का विवाह होता है और ये कहते हैं नहीं जी अज्ञातवास नहीं हुआ, फिर 13 साल जाओ। तो अब ये कथा है। तो उत्तरा का विवाह होता है अभिमन्यु के साथ महाराज विराट की, यहाँ जहां पर ये 1 साल का अज्ञातवास किए। विवाह के उपलक्ष में यहीं से शुरू होता है शत्रु से निपटने का उपाय। शत्रु कैसा, बार बार उस पर मैं आऊंगी। उपाय क्या शुरू होता है, विवाह के आयोजन के प्रयोजन से पांडवों के सगे संबंधी सुहृद इकट्ठे हुए हैं। शत्रु से निपटने के लिए अपने सगे संबंधी आत्मीय स्वजन सुहृद, और वर्णन अभी आगे आएगा, इनको एक स्थान पर किसी प्रयोजन से एकत्र करो और फिर विचार विमर्श करो। तो मैं आज बाकी इसमें और बहुत प्रसंग है, वो सब छोड़ती जाऊंगी। दुष्ट शत्रु से, शत्रु बोध से थोड़े काम चल जाएगा भैया, शत्रु से निपटने का उपाय। जी अगर बोध ही नहीं तो शत्रु बोध कैसे होगा। हाँ ये बात और सुंदर है, धर्म बोध से ही शत्रु बोध होगा, बहुत सुंदर। तो एक्चुअली क्या है, अर्जुन जो है, अगर हम लोग बोलते हैं कि अर्जुन जो है अपने कर्म को भूल छोड़कर कुछ और कर्म चुनना चाहता था, तो भगवान ने उसको वापस उस कर्म की याद दिला के उसको बोध कराया। जब उसका बोध जागृत हुआ तो फिर उसको शत्रुबोध हुआ कि कर्म क्या है। हाँ, तो जब बोध ही नहीं तो शत्रुबोध कैसा फिर। बहुत सुंदर, ठीक है। तो आज मैं एकदम फोकस्ड होके बड़े आनंद में हूँ, आपको बहुत धन्यवाद। और ऐसी श्रेष्ठ वार्ता को आपने सत्तोलॉजी में अवसर दिया तो धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सुनने वालों को जो इतनी बड़ी संख्या में सुन रहे हैं। तो आप ही के कारण आदित्य जी समय देते हैं। तो अब आ जाइए,
अब इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, बहुत सारा सुनाएंगे। अब ये मुख्य बात है, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, संपन्न हो गया, सब लोग उसके बाद सभा में विराजित हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बात शुरू करते हैं। ये है पृष्ठ संख्या 18, या शुरू करते महाभारत का तीसरा खंड उद्योग पर्व। उद्योग पर्व का प्रथम अध्याय सेनोद्योग पर्व, सेना का उद्योग पर्व है ये। और इसका सब लोग कैसे बैठते हैं, आते हैं, सभा कैसी है, तो अब आता है श्लोक संख्या 9। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब उन सब लोगों की बातचीत बंद हो गई, 8 श्लोक में पूरा वर्णन है, तब सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सार गर्भित तथा श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। किनको इकट्ठा करना है? दुष्ट शत्रुओं का पराजय होना है, अतः सिंह के समान पराक्रमी, और पराक्रम देह का होता है, बुद्धि का होता है, बहुत चीज का होता है, वर्णन आएगा। तो पराक्रमी वीर्यवान लोगों की सभा एकत्र करनी है पहला काम। फिर उसमें जो लीडर है, लीडर कौन है इसका वर्णन है मैं छोड़ रही हूं, भगवान श्री कृष्ण नेतृत्व संभालते हैं। तो प्रारंभ है श्लोक संख्या 10। हे उपस्थित सुहृदगण, मैं संस्कृत में नहीं बोल पाऊंगी, उसके लिए रामेश्वर मिश्र, पंकज जी, आदित्य जी से आप लोग निवेदन कीजिएगा। पहला वाक्य, आप सब लोगों को यह मालूम ही है कि शकुनि ने, मैं संक्षेप कर करके बोल रही हूं, किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया। पहला वाक्य, क्या आपको ज्ञात ही है? किसको? वीर्यवान लोगों को, जो इनको समाप्त करने में सफल हैं, सक्षम हैं, आपको ज्ञात ही है कि हमारे पक्ष को या महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने छल पूर्वक पराजित किया, कपट पूर्वक पराजित किया और इनका राज्य छीन लिया। हिंदुओं के राष्ट्र में अनेकानेक ईविल शत्रु राज्य जो खड़े किए गए हैं, कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पांचों वो स्थान, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह 5, और तिब्बत, और शिक्योंग कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया, एक मियां को दिया गया, एक कम्युनिस्ट पार्टी को दिया। देने वाला कौन था? यहां से जाता हुआ अंग्रेज चर्च वाला, कब? 1947, और 1947 के पहले बहुत, ये सारी कथा हम सत्तोलॉजी पर सुना दिए हैं। ये कपट पूर्वक हुआ, छल पूर्वक हुआ, युद्ध में हिंदुओं को परास्त करके नहीं हुआ, महाराज युधिष्ठिर से जो राज्य छीना गया, कपट पूर्वक, छल पूर्वक छीना गया, युद्ध में परास्त करके नहीं छीना गया। पहला वाक्य पूरी स्पष्टता के साथ, वस्तु स्थिति क्या है? उस जुए में यह शर्त रख दी गई कि जो हारे वह 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करे। यहाँ शर्त रखने की ससुरों की औकात नहीं थी, किसकी? 1947 में दुम दबा के भागते हुए इंग्लैंड वाले प्रोटेस्टेंट चर्च वालों की औकात नहीं थी, तो उन्होंने उस काम को भी छल पूर्वक किया। क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, ये करोगे, ये नहीं करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने नहीं बनाया, उनका एक जो कौन है इंडियन, वो इंडियन सिविल सर्विस का था, कौन सा, राव, राव ने बनाया, और क्या क्या वो भी कहानी हम सुना चुके हैं। तो भारत ये नहीं करेगा,
डिसेबिलिटी ला दो, यहाँ क्या कहा, राज्य छीन लिया, पता है ये फिर राज्य हमसे युद्ध में छीन लेंगे, तो डिसेबिलिटी ला दो। क्या डिसेबिलिटी? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो हिंदुओं पर अनेकानेक डिसेबिलिटी, अभी मैं भारत के संदर्भ में बात कर रही हूं। अभी सब छोड़ के और आगे करते हैं। इसके बाद वो बताते हैं भगवान कि पांडवों ने कितना कितना क्लेश सहा। तो हमको अपनी सभा में क्या बताना है, हिंदुओं ने कितना कितना क्लेश सहा। केवल ये 15 अगस्त 1947 वाले भारत के हिस्से के हिंदू नहीं, जो पाकिस्तान में हिंदू थे, जो बांग्लादेश में हिंदू थे, जो अफगानिस्तान में हिंदू थे, जो श्रीलंका में हिंदू थे, जो नेपाल में हिंदू है, जो तिब्बत में सनातनी है, जो सिक्योंग के हिंदू थे, समस्त क्षेत्र के सनातनियों ने क्या क्या कष्ट सहा शत्रु से निपटने का उपाय। फिर वो कह रहे हैं, अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अज्ञात अवस्था में 13 साल पूरा किया। यानी वनवास क्यों सहा, 13 साल क्यों, 13वां साल अज्ञातवास क्यों किया, पूर्वजों से प्राप्त राज्य की अभिलाषा से। हम सनातनी हिंदुओं ने धैर्य पूर्वक इतना कष्ट क्यों सहा, अपने पराक्रमी पूर्वजों के द्वारा प्राप्त नहीं, द्वारा सेवित सिंचित संभाली हुई इस विराट राज्य पर पुनः आनंद और सुख पूर्वक विचरण करने के लिए हमने भी धैर्य धारण किया बहुत साल। ऐसी परिस्थिति में, ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, तो हमारे लिए आदेश है, निर्देश है, गाइड है। जो लोग श्री कृष्ण नीति वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी है यही। श्री कृष्ण भगवान अपने मुंह से उच्चार रहे हैं नीति। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्म पुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, इस पर आप लोग विचार। हिंदुओं का हित हो और मिया कम्युनिस्ट चर्च उनका भी हित हो, ऐसा विचार कर। विचार कैसा हो, यही कथा 1, 2 या 3 एपिसोड में अपने लोग पूरा कर। अब फिर वो कह रहे हैं कि आप लोगों को यह विदित ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया। बार बार पांडवों के पैतृक राज्य का, ये समस्त क्षेत्र हम हिंदुओं का, सनातनियों का क्षेत्र है, बार बार किस प्रकार इसका छल पूर्वक अपहरण किया। और इंडियन पीनल कोड में भी छल पूर्वक अपहरण वाले पर 420, 407, 409, शायद 418, शायद 419, 467, 468, मैंने ये मुकदमे कायम किए इसलिए धारा याद है, कुछ 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 भूल गई है, तो दंडित किया जाता है। यहाँ दंडित इससे करेंगे। फिर श्लोक संख्या 15 में ये भगवान कह रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण नीति वाले यादव कुल शिरोमणि कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में, कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा, यह आप लोगों से छिपा लूं। थोड़ा सा कष्ट का बात यह है, अभी भारतीयों को भुला दिया गया है कि हम हिंदू सनातनियों ने इनके छल कपट और कपट के छल प्रपंच कपट और मिथ्या व्यवहार के कारण
कितना कष्ट सहा है। ये कष्ट हम लोगों ने अपनी किसी कमी के कारण नहीं सहा है, जो तुम लोग दिन भर सनातनियों और हिंदुओं में गलती निकालते हो। क्यों? क्योंकि तुमने महाभारत पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मिथ्या व्यवहार करने वाले चर्च को अपना अब जो माना हो, संघ वालों ने गुरु माना हो, आचार्य माना हो, ज्यादा होशियार माना हो, ज्यादा कृष्ण नीति वाला माना हो, ये तो वही लोग जानेंगे। तो बार बार हाईलाइट क्या है, ये कौन है? ये मिथ्या व्यवहार और छल कपट वाले हैं, इससे हमसे छीना है। तो अगर जिस युग में स्वयं चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण उपस्थित हैं, महाराज द्रोण और भीष्म की गोद में, महाराज द्रोण नहीं, द्रोणाचार्य गुरु द्रोण के द्वारा शिक्षित हैं, महाराज भीष्म पितामह की गोद में खेले हुए पांडव भी मिथ्या व्यवहार और छल कपट का शिकार हो सकते हैं, तो हम लोग भी मिथ्या व्यवहार और छल कपट का शिकार हुए, ये आपको ज्ञात होता अगर आप महाभारत पढ़ रहे। आप लोग तो हिंदू सम्राटों की कमी निकालते निकालते पगलाए जा रहे हैं। पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने, इन चर्च वालों ने, इन मियां लोगों ने, इन कम्युनिस्टों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया। भारत कभी पराधीन नहीं रहा, हजारों साल की भारत की गुलामी, अच्छा अच्छा हजारों नहीं, हजार साल की गुलामी, नहीं नहीं हजार 600 साल की गुलामी नहीं, 600 साल का संघर्ष अंत संबंध की। महाभारत पढ़ते तो ये जानते हिंदुओं को, अगर भारत का इतिहास पढ़े होते भारतीय साक्ष्यों से, तो पता होता कि भारतीयों को युद्ध में किसी ने कभी नहीं हराया। बल और पराक्रम से युधिष्ठिर को, हिंदुओं को, भारतीयों को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था, छल से लिया था। तदापि भगवान कह रहे हैं, राजा युधिष्ठिर अपने सुहृदय, अपने भाई बंधु माता सबके साथ उनकी भलाई ही चाहते हैं। दुष्ट की भलाई कैसे की जाती है ये भी भगवान बताते, डीएनए एक बताकर नहीं होती, गरिया कर भी उनकी भलाई नहीं होती, लतिया कर भी उनकी भलाई नहीं होती है। उनकी भलाई कैसे होती आएगा वर्णन कुछ लोगों को पता होगा। पांडवों ने वही जो कथा मैंने बताई, राजसूय यज्ञ किया, पांडवों ने दूसरे दूसरे राजाओं को युद्ध में जीत कर उन्हें पीड़ित कर जो धन स्वयं प्राप्त किया था उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे। ये जो हमारे पूर्वजों के बल से सिंचित धरती है हम उसको पुनः मांग रहे। हम कौन? हम हिंदू सनातनी। कौन सी हमारी धरती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाचोस्तान, तिब्बत और ये हमारा सिक्योंग, ये सब हमारा है भाई, कल तक हमारा था भाई। हम मांग रहे हैं, कहां पर मांगेंगे? यूनाइटेड नेशन में। ये मांगना कैसा है यही सीखना है महाभारत से, दुष्ट नराधम शत्रु से कैसे निकले। ये मांगने कहां जाएंगे? धृतराष्ट्र की सभा में। हम लोग यूनाइटेड नेशंस में। जब पांडव बालक थे अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से, अब देखिए हमारा शत्रु कैसा है, उन उग्र प्रकृति के
हमारा जो शत्रु है वो धार्मिक नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, किसी क्रोध में हमसे नहीं भिड़ गया है। उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संघबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। चर्च वाले मियाओं कम्युनिस्टों ने 1947 में, जब इस जनरेशन में बैठे हुए हम भारतीय बालक थे, शिशु थे, तो हमको मार डालने के लिए नेहरू के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में तरह तरह संघबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों के द्वारा मार डालने की पूरी चेष्टा की। मार नहीं डाल पाए, लेकिन एनिमी स्टेट इन्होंने क्रिएट कर दिया और भी बहुत सारे काम किए। अब भगवान फिर कह रहे हैं, अतः बहुत ध्यान से, सभी सभासद, सभासद मतलब राजा महाराजा यानी कौन कौन है, सब हम छोड़ दिए हैं, आगे भी आएगा, जो इस सभा में बैठे हुए हैं इस मंत्रणा के लिए, अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, ध्यान दीजिए, इन तीनों के बढ़े हुए लोभ को, कम्युनिज्म का नाम आ गया है शी जिनपिंग और वो कल्चर कोई है, और मियां और चर्च को हम लोग जानते ही हैं, कम्युनिज्म ने रूप बदल लिया है, इनका लोभ बहुत बढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन कोरोना है, मलेरिया है, किनका लोभ बढ़ा हुआ है, उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रु जो संघबद्ध हो गए, एक साथ होके लड़ रहे हैं, जबकि ये आपस में भयंकर मारकाट दूसरी जगह करते। तो भगवान कह रहे हैं इनके बढ़े हुए लोगों को और युधिष्ठिर की धर्मज्ञता, सनातनी अभी भी धर्मारूढ़ होकर ऐसे उग्र प्रकृति के संघबद्ध शत्रुओं को हत करना चाहते हैं, लेकिन धर्मारूढ़ होकर, ये ध्यान रहे, आज भी हम धर्म पर आरूढ़ होकर उग्र शत्रुओं का संहार चाहते हैं। क्यों? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, क्यों हो, जिससे कि प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, इसलिए हम धर्मारूढ़ होकर करना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान, ये विचार करके कौरवों का लोभ, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंध को देते हुए अलग अलग तथा एक साथ राय देकर कुछ निश्चय कर। निश्चय क्या होगा? अभी तुरंत आएगा युद्ध का, और युद्ध के निश्चय के लिए दूत भेजने का। युद्ध का निश्चय हो जाएगा और युद्ध के निश्चय के लिए सभी राजाओं को जम्बूद्वीप में दूत जाएंगे, आप हमारी तरफ आइए, हमारी तरफ, और साथ में दूत जाएगा कौरवों की सभा में उनको फोड़ देने के। नहीं पता है, क्या नहीं पता है, महाभारत का पाठन पाठन नहीं किया तो कहेंगे कृष्ण भगवान ने पांच दूत काहे मांगे, पांच गांव काहे कृष्ण भगवान गए, कृष्ण भगवान तो छल किए। अरे मूर्खों अनपढ़ों, महाभारत गीता प्रेस ने छाप रखी है, हिंदी में बांच लो भाई। अब फिर भगवान 21 में कहते हैं, यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, सावधान, शत्रुओं भी और सनातनियों भी, ध्यान से सुनो, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे तो पांडव उन सबको मार डालेंगे, अतो अन्यथा तैरुप चर्यमाणा हन्यु समेतान धृत राष्ट्र पुत्र। ये भगवान की उद्घोषणा है कि अभी भी विपरीत व्यवहार किया तो मार डालेंगे। 2024 के बाद संसार में जो होने वाला है वो क्या है,
धृतराष्ट्र पुत्र, चर्च, कम्युनिज्म, मुनाफिक, मुशरिक। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर पांडवों के सुहृदों और संबंधियों को ये उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार का अत्याचार करने से रोकें। अब इसके बाद हम छोड़ रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, किंतु अभी शत्रु पक्ष का राय तो पता नहीं है। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते। इसमें कह रहे हैं कि युद्ध का निश्चय कैसे किया जाए, इसके लिए दुर्योधन का भी मत ठीक ठीक पता कर लिया जाए, इस समय वो क्या सोच रहा है। अतः शत्रु पक्ष का विचार जानने के लिए मेरा मत है कि यहां से कोई दूत जाए। उसका भी डेफिनेशन भगवान कहते, कोई दूत भेजे तो बड़े लोगों की सभा है, फिर भी भगवान अंडरलाइन कर रहे हैं क्या। अतः मेरा विचार है यहां से कोई धर्मशील, धर्म का ज्ञाता, पवित्र आत्मा, पापी कुटिल नहीं, पवित्र आत्मा, कुली कुल परंपरा, कुल मर्यादा का पालन करने का पुरुषार्थ रखने वाला, बल और वीर्य रखने वाला और सावधान पुरुष यहां से दूत बन कर जाए। अभी और आएगा दूत का वर्णन, दूत कैसा हो। वह दूत ऐसा होना चाहिए, श्लोक संख्या 25 में है, जो उनके जोश और रोष को शांत करने में समर्थ हो, जोश को भी ठंडा कर दे, रोष को भी ठंडा कर दे और उन्हें युधिष्ठिर का आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। दूतः समर्थः प्रशमाय तेषां राज्यार्ध दानाय युधिष्ठिरस्य। दूत में ये गुण चाहिए, विवश कर दे, रोष जोश ठंडा करके बाबू लोग होशियार। तो अब हम अगले पर आएंगे तो आदित्य जी आपकी टिप्पणी से ही आनंद आएगा। इट्स माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हर महाभारत में जो चरित्र दिया हुआ है, हर चरित्र की एक खासियत है। जैसे आपने दूत का बारे में आपने बताया, जब भेजा जाता है दूत, तो दूत का जो व्यक्ति भेजा गया है उसका चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसका व्यक्ति का चरित्र क्या है। वो उसमें क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं भेजा गया है कि जस्ट कि वो ऐसे बात करो, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को पूरे विषय का ज्ञान है, तब जाके वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और तो ये पात्रत्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन महाभारत। और कभी कभी क्या होता है ना कुसुमलता जी, इधर जो अपने जो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, ये कभी भी पात्रत्व पे विश्वास नहीं रखते हैं। ये मटीरियल एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन बेस्ड लोगों को भेजते हैं एज ए दूत, और उन सबने गड़बड़ी हो चाहिए। तो हम सब जगह प्रॉब्लम देख रहे हैं ना? आप जैसे लोगों को भेजना चाहिए, रामेश्वर मिश्र पंकज जी जैसे लोगों को भेजना चाहिए, जैसे लोग मैंने बोला है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर हु अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो पूरा पूर्व पक्ष हो, उत्तर पक्ष हो, फिर जाके बात की जाए। अगर पूर्व पक्ष का ज्ञान नहीं है, उत्तर पक्ष का ज्ञान नहीं है, तो फिर कहां से समाधान निकलेगा, फिर हो ही नहीं सकता। प्लीज कंटिन्यू, आप नहीं तो आपका फ्लो रुक जाएगा। आपको आनंद आ रहा है? मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और मेरा जब भी चल रहा है, भारत है ना आज सहारे के लिए, तो इसलिए फ्लो गड़बड़ाएगा नहीं। जब एटलांटा बोलती है तब गड़बड़ा जाता है जी। ठीक, आज तो ये बार बार सावधान कर देगा। बिल्कुल। तो फिर इस बीच में बलराम जी का एक भाषण है, वो भी महत्वपूर्ण है। वहां भी वो दूत का वर्णन कर रहे हैं, दूत कैसा हो। लेकिन उसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। इसमें इसका एक प्रसंग है कि बलराम जी मोट माट
दुर्योधन की तरफ से कुछ बोलने लगे। तो बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। भगवान कृष्ण चुप रहते हैं, लेकिन उन्हीं यादवों में महापराक्रमी सात्यकी क्रोध में कुपित होकर उछल जाते हैं और बलराम जी को टोका टाकी करने लगते हैं। हाँ, लेकिन वो अब जो सात्यकी जो कह रहे हैं उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरा प्रवाद और झूठ फैलाया गया है। वो क्या कह रहे हैं? ये है पृष्ठ संख्या 23 श्लोक संख्या 6। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया या जीता, अतः यह उनकी धर्म पूर्वक विजय कैसे कही जा सकती। बलराम जी कहने लग गए थे कि दुर्योधन का क्या, युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, खेलना ही नहीं चाहिए था। तो पूरा वर्णन कर रहे हैं, छल और कपट से किया है। और रुकिए बता रहे हैं, फिर इनके सबका एक एक वीर के बल का वर्णन कर रहे हैं। तब वो सब कथा छोड़ के अभी जो मूल प्रसंग है उसमें हम आ रहे हैं। मूल प्रसंग तो पूरा ही है। तब महाराज द्रुपद कहते हैं, अब महाराज द्रुपद कौन है? इन पांचों पांडवों के ससुर पद पर हैं, महारानी द्रौपदी के पिताजी। वो सभा में आए हैं इनके परम आत्मी। एक तो महाराज विराट हैं, जिन्होंने उत्तरा का विवाह किया है, और महाराज द्रुपद। महाराज द्रुपद क्या कह रहे हैं सात्यकी की बात सुनकर? कितना सुंदर है। हे महाभाव, ये पृष्ठ संख्या 24, तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मतलब वो सब दुर्योधन एंड कंपनी छल ही करेंगे, चर्च मिया कम्युनिस्ट एंड कंपनी छल ही करेंगे, क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। भगवान एक प्रस्तावना रख रहे हैं कि जाओ भाई बातचीत करो, उसका मत जान लो। बलराम जी कह रहे हैं जाओ लेकिन नरम नरम बात करना, ऐसा बात मत करना कि दुर्योधन को गुस्सा आ जाए। तब सात्यकी टोकते हैं, तब द्रुपद जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। पता है ये सब मधुरता कोमलता से राज्य नहीं देंगे, फिर भी आगे आएगा, फिर भी मधुर कोमल संभाषण किया जाएगा, क्योंकि मधुर संभाषण जो मधुर कोमल मृदु जो व्यवहार किया जाएगा सिस्टर, ये जानने के बावजूद इससे राज्य नहीं मिलेगा, किंतु राज्य मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। शत्रु का बल छीण करने के लिए बुद्धिमानी और कुशलता से। फिर कह रहे हैं पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के साथ रहेंगे, भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश साथ रहेंगे, कर्ण और शकुनी मूर्खतावश साथ दे। यानी कि हम सनातनियों के जो शत्रु हैं उनके बहुत से सनातनी मोह के कारण, दीनता के कारण, दुष्टता के कारण, मूर्खता के कारण, लोभ के कारण और भी कोई कारण होंगे, साथ देंगे। वो स्वयं इतने दुष्ट नहीं है। कौन कौन? धृतराष्ट्र। हम लोगों, अच्छा यहाँ तो मैंने महाभारत का पाठ नहीं किया, एक अन्य स्थान पर किया था कि महाराज धृतराष्ट्र बड़े ज्ञानी हैं, राजा की दृष्टि से बड़े योग्य राजा हैं, दुष्ट नहीं है, किंतु हमारे सनातनियों में से धृतराष्ट्र जैसे जो इनके प्रति अनेकानेक कारणों से मोह रखते हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य इतने महावीर दीनतावश, कर्ण और शकुनी मूर्खतावश, तो भी हम लोगों को भय करने की या दीनता की आवश्यकता नहीं है।
ये लोग साथ देंगे तो भी दुष्टों को निपटाया जा सकता है वर्तमान काल में बहुत आसानी से, क्योंकि इस समय वहां कोई भीष्म नहीं है, इस समय वहां कोई द्रोण नहीं है, इस समय वहां कोई कर्ण भी नहीं है, इस समय वहां महाराज शल्य भी नहीं है, कृपाचार्य भी नहीं है, अश्वस्थामा भी नहीं है। इस वक्त जो ये दुष्ट हैं, ये छुट भइए हैं। इस पर बाद में आगे बात करेंगे, आज महाभारत के साथ बात कर रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कौन महाराज द्रुपद, कैसे कैसे हमारे राजा हैं। बलदेव जी का कथन मेरी समझ में ठीक नहीं जान पड़ता, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रता पूर्ण वचन कहना किसी प्रकार से उचित नहीं। नीति के लिए भी, कूटनीति के लिए भी दुष्ट से बलपूर्वक शक्ति का प्रदर्शन बल के साथ शिष्ट वचन कहना चाहिए। मधुर और नम्रता पूर्वक मुसाहिबी और लीपा पोती का वचन नहीं कहना चाहिए। मेरा ऐसा मत है कि वह पाप पूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से बस में आने वाला नहीं है। डीएनए कहने से दुष्ट विचार रखने वाला, पाप पूर्ण विचार रखने वाला, जो पाप पूर्ण विचार रख रहा है उसी को दुष्ट कहा गया है। इसमें जो शीर्षक दिया गया वो वश में आने वाला नहीं है। मृदु वचन किसको बोला जाएगा? धृतराष्ट्र जी को, कृपाचार्य को, विदुर महाराज को, द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह जी को, जो वहां बैठे हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा। जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा वह मानो गधे के प्रति कोमलता पूर्वक व्यवहार करेगा और गाय के प्रति कठोर बर्ताव। यही चल रहा है। क्यों चल रहा है? महाभारत नहीं पढ़े, रामायण वाल्मीकि कृत नहीं पढ़े, शुक्र नीति, विदुर नीति, बृहस्पति नीति और कितनी नीति है उसका तो नाम ही नहीं सुने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यूरोप के इकोनॉमिक्स की पुस्तक बता रहे हैं, पढ़े नहीं किए हैं। ऐसे गधों को प्रणाम। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है। श्लोक संख्या 6 पृष्ठ संख्या 24। और कोमलता का वर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर बल पर कब्जा कर लिया है। भगवान को प्रणाम, श्री कृष्ण की जय हो। जहां श्री कृष्ण है और पार्थ है, जय विजय वहीं पर होती है। तो हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसी को संपन्न करेंगे और इसी के लिए यहाँ प्रयत्न करेंगे। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वो हमारे लिए सैन्य संग्रह का उद्योग करें। द्रुपद क्या कह रहे हैं? युद्ध की तैयारी शुरू करो। दूत भी जाएगा, अभी जाएंगे महाराज द्रुपद के पुरोहित ही जाएंगे, लेकिन वो क्यों जाएंगे और तुरंत? ऐसे दुष्ट हैं तो युद्ध की तैयारी करो। हे संसार भर के सनातनियों, संतों, श्रेष्ठ लोगों, भले लोगों, पराक्रमी लोगों, धर्मात्मा लोगों, इनसे इनको निपटाने के लिए युद्ध की तैयारी करो। और ये सब तो इसी युद्ध से खोपड़ी से निपट जाए। तो क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हमारे शीघ्रगामी दूत, दूत कैसे हैं? बहुत स्पीड में चलते हैं। हमारे शीघ्रगामी दूत जाएं कहां कहां?
महाराज शल्य के पास, धृष्ट केतु, जयसेन और समस्त के कई राजाओं के पास जाएं, श्रेष्ठ राजाओं के पास जाएं, पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा के पास जाएं। और यहाँ जो राजाओं का वर्णन है वो एक दिन अलग एपिसोड में मैं करूंगी, किस किस देश के राजा के पास दूत जा रहा है। ये सब भारत वर्ष है, कब? आज से 5000 साल पहले। कब तक? मिड 18 सेंचुरी तक, नाना मिड 19 सेंचुरी तक, नाना इसका एक बड़ा हिस्सा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत वर्ष है। इस पर हम लोग अलग बात करेंगे, आज अभी दुष्टों से कैसे निपटे इस पर। तो इसमें भी एक संदेश है, संसार में जहां बलशाली लोग हैं जो हमारे पक्ष का समर्थन करेंगे, उनसे बातचीत संपर्क किया जाए। मोदी जी की 2014 के बाद लगातार यात्राएं, विदेश यात्राएं, बातचीत करना, कुछ को पक्ष में लाना, कुछ को न्यूट्रल करना, कुछ को आपस में लड़ा दे। पाकिस्तान को पूरे मिडिल ईस्ट से कट्टी करा दिया, अपना मिली कर लिया, कुछ को न्यूट्रल कर दिया। अच्छा भाई तुम लोग जानो हमसे क्या। इसलिए विदेश यात्रा। तो अब पेज 26। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोमक वंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही वह उन्हीं के योग्य है। तो वो कह रहे हैं कि और ये कहकर कथा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए चल दिए। द्वारका के चले जाने पर युधिष्ठिर और पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारियां करती। तय हो गया सभा में युद्ध की तैयारी होगी और दूत भी जाएगा। सब सब राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दिया गया। बड़े हर्ष और उत्साह के साथ सेनाएं आने लगी, चारों ओर से वीर सैनिक आने लगे। और इसके बाद पेश 27 पर, यानी दुष्ट से निपटने के लिए संगी साथी सबका नेटवर्किंग शुरू करो, सबको प्रयोजन बताओ। खाली बोध नहीं, बोध तो हर चूहा को भी बोध है शत्रु कौन है। तो ये कहना कि हिंदुओं को बोध नहीं है, ये महान लोगों के कार्य है। अरे निपटे कैसे, इसके बारे में हिंदू संशय में आ गए हैं। महाभारत पढ़ना जो राजा लोग हमारे छोड़ दिए हैं, राजा तो है नहीं। तो राज्य कर्म करने वाले महाभारत कौन बला है यही 90% को नहीं पता होता। और ना महाभारत पढ़ने से कोई राजनीति समझ में आता है कि 99% को नहीं पता होता। तब राजा द्रुपद ने पुरोहित से कहा, ये सुनिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 27 छठवा अध्याय पहला श्लोक। हे पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, सृष्टि का तारेत्रम सभी भूत। ये चर्च वाला भूत प्रेत, शैतान, चुड़ैल, डायन, जिन्न, जिन्नात नहीं है। भूतों में इसका अर्थ आदित्य जी बताएंगे। भूतों में प्राण जिसमें है वो श्रेष्ठ है, प्राणधारियों में जिसमें बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। पशु में, पक्षी में, नेवला में, कछुआ में, चींटी में, मक्खी में, सब में बुद्धि है, प्राण भी है, बुद्धि भी है। बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, अकेला मनुष्य नहीं है ये खोपड़ी वाला। खोपड़ी चींटी, मक्खी, मच्छर, इन सब में है और कई मामलों में मनुष्य से अधिक है, किंतु सामूहिक रूप से बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? जन्मना और कर्मणा, क्योंकि वो बुद्धि का, ज्ञान का ही जीवन लगाता है। ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ है, विद्वानों में सिद्धांत के जानकार श्रेष्ठ हैं, सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी उसके अनुसार आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ है। हे
मतलब अपने पुरोहित जी को संबोधन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं, एक गुण दूत का सिद्धांत वेताओं में, और सिद्धांत वेता माने इतना इतना सब चीज को पार कर गया है, आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप बढ़े चढ़े हैं। जो दूत जाए चर्च से बतियाने, मियां से बतियाने, कम्युनिस्ट से बतियाने, वो तीनों को ठीक से जाने, लल्लू ना हो, ये और परिभावक सदा से महान लोग हैं। मियां लोग बलशाली लोग हैं और कम्युनिस्ट लोग बहुत छली लोग हैं, गधे लोग हैं, उल्लू लोग हैं, नहीं पता है, तो जानकार लोग उनसे बात करें। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है, दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वो आपको ज्ञात है। हमारे भागवत जी का करने चले गए मियां लोग के पास, मियां लोग की जानकारी है भागवत जी को, चर्च की जानकारी है भागवत जी को, कम्युनिस्टों की जानकारी है भागवत जी को, का करने चले जाते हैं, जानकार लोग को भेजिए, आपसे कई गुना अधिक जानकार तो मैं, ये मजाक में नहीं कह रही, गंभीरता से कह रही हूं, मजाक की शैली में कह रही। दुर्योधन का आचार विचार कैसा है ये आपको ज्ञात है, युधिष्ठिर का, हम सनातनियों का आचार विचार कैसा है ये भी आपको ज्ञात है, हम वीरता में, पौरुष में, पराक्रम में, युद्ध विद्या में, युद्ध नीति में, कूटनीति में कम नहीं है, छल से हमको छला गया, क्यों छला गया, हमारे शील वील के कारण, वो अलग कथा है, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। आज भी भारतीय सोल्जर को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आज भी, और हमारी कूटनीति, एक कूटनीतिज्ञ एस जयशंकर को मोदी जी ने जगह दिया, कुल यूरोपियंस को कूट पीट के उनके घर में जाके उनकी औकात में रख दिया, घर ही में जाके बोला ना, अरे भाई तुम लोग कुछ अपना बुद्धि भी खोलो भाई, तुम्हारी नजर से दुनिया काहे तुमको देखे देखेगी, तुम लोग इतने नित्ते से हो, हम लोग इतने से हैं, इन्हीं कहा हम लोग बड़का है, तुम इतने नित्ते हो, इतने से, लेकिन इतने नित्ते से इतने ज्यादा चलेगी हमारी भी। एक एस जयशंकर दो चार विजिट में, एक असाइनमेंट में सबको औकात में लाके रख दिया, मोदी जी वो ट्रंप तो इसे करता ही है, बराक ओबामा इसे करता ही है, जो भी डेल भी इसे करता है, वो इटली वाली गले लगती है, बाकी लोग इसे इसे क्यों, तुमको भी जानते हैं, अपने को भी जानते हो, तुम ना उनको जानते हो ना इनको जानते हो। वो एक खाली मैंने विजुअल देखा था, मोदी जी और शी जिनपिंग, वो खोज के लोगों को देखना चाहिए, वो टेराकोटा आर्मी देख रहे हैं मोदी जी, हाँ। मोदी जी की आंख ऐसे है, और शी जिनपिंग का आंख ऐसे मतलब भीतर का चल रहा है, कुल छिपा लू पते ना चले, भीतर छाती कांप रही है, मेरा डर मुख पर आ ना जाए। और एक दूसरा देख लो, जब दक्षिण अफ्रीका में कौन सा ब्रिक्स का कि किसका सम्मेलन हुआ था, तो ये शी जिनपिंग गया पीछे से, सिपाही रोक लिया, दो बार देखा वही खड़ा होकर डांटता रहे, दरवाजा खोल, मेरी सिक्योरिटी को आने दे, मोदी जी नहीं आती, मैं नहीं जाता, मैं वापस जा रहा हूँ, सारे डर के छाती कांप रही है, और मोदी जी देख रहे हैं, क्या उनसे निपटना कैसे नहीं, वो देख रहे थे कि खा के मोदी जी का विरोध करने चले हो रे मूर्खो, वो मोदी भूल नहीं हो तुम लोग, नहीं वो ये बोल रहे थे मोदी जी कि तुम ये सेना भेजने वाले मेरे पास टेराकोटा की, हमारे पास जीवित वाले लोग है नहीं नहीं नहीं, मोदी जी देख रहे ये सब लंबे चौड़े छह फुटिया हमारे लोग हैं, इन्हें टुल्ले पीले देखो नहीं है, शी जिनपिंग माओ चाओ की शक्ल का इको नहीं है, ये हमारे लोग यहाँ बाउंड्री में नेहरू वाला मामला, अच्छा ये सारा ये देख रहे हैं मोदी जी,
अगर महाभारत की तरफ से ऐड करो ना, तो ये चीन और किरात दुर्योधन की सेना में हुए थे, सबको मार दिया था। मोदी जी माता जी के साथ किस्सा कहानी बचपन में सुने हुए है ना, बाद में साधु संन्यासियों का संग किए हुए, और उससे भी बड़ी बात ये सब पिछले जन्म का अर्जित आता है ना भाई पुण्य। इस जन्म के कर्म से तुम बड़े कार्य थोड़ी संपादन कर लोगे। बिल्कुल, वो तो आप प्रारब्ध में जी रहे हो। प्रारब्ध में जी रहे हो। हाँ, प्रारब्ध में जी रहे, कंटिन्यूटी में आए हैं, ये काम करना है करके चले जाएंगे, फिर अगली बार आएंगे, अगली बार तो महामाते बनने का कंपटीशन में हम भी रहेंगे मोदी के साथ। महाभारत खूब पढ़ रहे हैं इस बार। नहीं, आप बिंदी माला वाला तो खूब पहनेंगे, बिंदी तिलक भी कर लेंगे, लेकिन बनना महाभारत की इच्छा बड़ी जबरदस्त है आगे भगवान जाने। तो आइए अपने विषय पर, अभी 5 मिनट समय जरा सा के लिए। दस मिनट लीजिए, 10 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट करिए, 10 मिनट लीजिए। तो द्रुपद जी कह रहे हैं, देखिए पुनः कह रहे हैं कि आप लोग से छिपा नहीं है, विदुर जी के अनुनय विनय करने पर भी धृतराष्ट्र बेटे के साथ रहता है। इमिया सब, ये चर्च सब, ये वो सब आपस में बहुत लड़ते भिड़ते हैं, खाली गरज भर साथ रहते हैं। और ये मियाँ सब भी मियाँ नहीं है, मुनाफिक है, मुशरिक है। और ये चर्च वाले भी अपने यहाँ पिटे हुए लोग हैं, और ये कम्युनिस्ट सब तो पिट के साफ होने वाले लोग हैं। हे पुरोहित जी, हे हमारे दूत, आप तो ये जानते ही हैं, लेकिन हमारे भागवत जी ये नहीं जानते। तो जिस मियाँ से बतियाते उससे बोलते, जी आप तो मुनाफिक है, आप पर फतवा तो नहीं आया ना, आप ही हमारे काम के हैं, मोमिन लोग तो नहीं काम के हैं, इनको तो मुनाफिक का है ये नहीं पता है, पूरे संघ को मुशरिक का है यही नहीं पता है, कुरान पढ़वे नहीं किए हैं, चले गए हैं डीएनए मिलाने। धृतराष्ट्र का डीएनए कौरव पांडव से अलग था कि दुर्योधन का दुशासन का अलग था भाई, कि भगवान का डीएनए और शिशुपाल का डीएनए भुआ भतीजा थे, चले गए और डीएनए मिलाने। कंस का मामा को मारे थे, चले हैं डीएनए जाके गधे के आगे दुम हिला, कहे भाई गैया के आगे दुम हिलता नहीं, गैया प्रसन्न हो जाएगी, एक के बार में आशीर्वाद दे देगी, सारी मूर्खता के बाद यशस्वी हो जाएंगे, वही तो चाहिए क्षमा के साथ, पूरी क्षमा के साथ। मेरे पिताजी बाल स्वंग सेवक रहे हैं, मैं स्वयं संघ की एकदम निष्ठावान हूं, स्वयं भागवत जी ने अपने हाथ से मुझे डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान दिया है, उन लोगों की चयन समिति ने माना कि मैं बड़ी योग्य हूं, धर्म कार्य करती हूँ, उम्र भी मेरी तब 70 साल नहीं थी, 15-20 साल पुरानी बात है। तो हे दूत महाराज, शकुनी स्वयं जुए के खेल में प्रवीण होकर यह जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी है, बार बार ये कहा जा रहा है, और अभी क्या प्रचारित किया गया, जुए में ऐसे आसक्त हैं युधिष्ठिर कि बुलाते ही चले आते हैं। ये वो कम्युनिस्ट नरेटिव को पढ़कर युधिष्ठिर जी को दोषी बताकर तुम हिंदुओं का कार्य ना करोगे भाई, वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्धात्मा पुरुष हैं, उन्हें समझ बूझ कर जुए के लिए बुलाया गया, सबने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है, अब वो किसी भी अवस्था में स्वयं राज्य नहीं लौटाए। हम हिंदुओं को पता होना चाहिए कि ये किसी भी हालत में स्वयं हमको हमारा छीना हुआ चीज नहीं देंगे, इनसे बलपूर्वक लेना है, लेकिन साम दाम दंड भेद चारों नीति का प्रयोग करना है, और भेद तो इस समय इतना काम करेगा कि दंड की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब मरे कुचले कटे हुए लोग हैं, कोई 2 रुपया में मानता है, कोई 1 ठो नौकरी में मान जाता है, कोई 1 ठो टिकट दे दो, भले हारने वाली सीट का टिकट दे दो उसी से मान जाता है, ये सब है तीनों। तो वो किसी भी अवस्था में राज्य नहीं लौटाएंगे। पृष्ठ संख्या 28, श्लोक संख्या 8,
परंतु हे राजा धृतराष्ट्र, हे 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 परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्म युक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। भेद दूत जा रहा है, युद्ध निश्चय है, भेद डाल दो, क्षीण कर दो बल, लड़ेगा तो जरूर लेकिन ऐसे ऐसे लड़ेगा। नरो कुंजरो वा है, पता नहीं नर है कि कुंजर है, अस्वस्थावा, लो भैया हम अपना हथियार रख दिए, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा सिर काट दो। द्रोणाचार्य, भीष्म महोदय भगवान ले गए द्रौपदी को, बोले सोचे कौरव कुल से आइए, भीष्म पितामह पदचाप नहीं जानेंगे, सौभाग्यवती भव। भगवान कह रहे हैं या द्रौपदी जी प्रसंग नहीं याद है, है तुझे दिया जा, ए, क्या कहते हैं, अर्जुन को छोड़कर किसी को नहीं मारूंगा, या हमें अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। हे पुरोहित जी युधिष्ठिर की, महाराज युधिष्ठिर की सभा में जाइए, धर्म युक्त बातें कीजिए और उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। यहाँ धर्म युक्त बात नहीं कर रहे हम बतियाना, यहाँ लोभ युक्त बात बतियाना है। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, देना तो है ही है, किसको किसको पसमांदा। राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच पूजनी सुदर्शन जी का है, राष्ट्रवादी मुस्लिम, जाओ सभा में बतियाओ, इतना इतना सब है तो देख लो, जो राष्ट्रवादी है उसको एडजस्ट कर लो। विदुर जी भी वहां आपके वचनों का समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म द्रोण एवं कृपाचार्य आदमी भेद उत्पन्न कर देंगे। जब मंत्रियों में फूट पड़ जाएगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे तब उनका प्रधान कार्य होगा पुनः नूतन सेना का संग्रह और संगठन। इसी बीच में एकाग्र चित्त वाले कुंती कुमार अनायासी सेना का संगठन और द्रव्य का संग्रह कर लेंगे। जब तक हमारे लोग वहां उपस्थित रहेंगे और आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे, वहीं टिके रहिएगा, तब तक निसंदेह वो सैन्य संग्रह का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हम हाँ वहां आपके जाने का यही प्रयोजन प्रधान प्रधान रूप से दिखाई देता है। यह भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र का मन बदल जाए और वो आपकी धर्मानुकाल बातें स्वीकार कर ले, लेकिन अभी एक को धृतराष्ट्र उधर नहीं है, मिया लोग के पास, चर्च लोग के पास, कम्युनिस्ट लोग के पास, द्रोण कृपाचार्य शुक्र और भीष्म पितामह सब मर जाएंगे तब नहीं, सब शंकर जी के उपासक थोड़े हैं ये सब। आप धर्म परायण तो है ही हैं, वहां धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए कौरव कुल में जो कृपालु वृद्ध पुरुष हैं उनके समक्ष पूर्व पुरुषों द्वारा आचारित कुल धर्म का प्रतिपादन एवं पांडवों के क्लेश का वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधन की तरफ से फोड़ देंगे। ये नीति कहाँ चलेगी? ये नीति चलेगी हमारे जो सनातनी दमदार लोग हैं जो उनके प्रति थोड़ा नरम नरम व्यवहार रखते हैं, जब नहीं तब कांग्रेसियों को तो मुलायम सिंह को, यादव लोग अखिलेश को समर्थन कर देते हैं, बंगाल में बहुत लोग हिंदू ममता का समर्थन कर देते हैं। उन लोग के पास जाइए, उनको बताइए हिंदुओं को कितना कितना कष्ट है, इनका मन फिर जाए। महाभारत पढ़ेंगे बाबू लोग तो जानेंगे कौन सा नीति कहाँ लगाया जाए। अतः हाँ आपको उनसे कोई भय नहीं है क्योंकि आप वेद वेदता ब्राह्मण है। ये भी नहीं कि दूत ऐसा भेजो साले मारी दे, विशेषता दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध है, जहां लड़ाई हो रही है उस पक्ष में भी एक से एक श्रेष्ठ लोग हैं, वहां वेद का वेदता ब्राह्मण दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध उसका प्राण रक्षा है। अतः पुष्य नक्षत्र से युक्त
जय नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य के सिद्धि के लिए जाइए, युद्ध रोकने ना जाइए, युद्ध की तो तुम तैयारी हो रही है, युद्ध में विजय के लिए जाइए महाराज, और नक्षत्र विचार करके जाइए। नक्षत्र ज्ञान, मुहूर्त ज्ञान केवल भारतीय सनातनियों के पास है, तो अपना स्ट्रेंथ काहे छोड़ रहे हो भाई, वो कुल तो कुरान का पग का पन्ना पानी में भिगो भिगो पी रहे हैं सर, मनोबल बढ़ाने के लिए। आपके पास तो साइंटिफिक है, कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल कॉगले कॉन्फ्लेग्रेशन क्या फल देगा, ये ज्ञान लाखों साल से आपके पास है। तो जनमेजय वैशंपायन जी कहते हैं, महाराजा द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित हस्तिनापुर को प्रस्थान किया, और वो विद्वान नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे, इकोनॉमिक्स नहीं बाबू, राजनीति शास्त्र के। तो आज का समय संपन्न हुआ, आप लोग इसको खूब सारा देख लीजिएगा, तो हमको आदित्य जी दो बार बोलने का इस विषय पर मौका और दे देंगे। कम देखेंगे तो बोलेंगे देखिए व्यूअरशिप कम है, अब आप दूसरा विषय पर बोलिए। हमारा ऑडियंस बहुत ही, हमारे हमारे दर्शक बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। जिस तरह के कमेंट्स हमारे दर्शकों के आते हैं, मैं मानता हूँ कि किसी और भी चैनल पे इस तरह कमेंट्स नहीं आते हैं, इतने डिटेल वाले। लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, लाइक ज्यादा हो जाना चाहिए, आदित्य जी के पास मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 12 मिलियन व्यूज है चैनल पे टोटल, 12 मिलियन 12 मिलियन सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सब्सक्राइबर तो सबको मालूम है, और लाइक्स तो उसके 10 गुना ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं लाइक्स उससे ज्यादा होने चाहिए। तो मेरा दर्शकों से भी निवेदन होगा कि अगर आपको कुसुम देखे, मेरा निवेदन 70 वर्ष की महिला का जो इतना मेहनत कर रही, जितने लोग देखें लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो दबा दीजिए। आपके घर से क्या जा रहा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको लाभ हो जाएगा, पता चला सातों दिन हम ही बोल रहे हैं। और आप जब करेंगे तो आप कुसुमलता माता की सेवा भी कर रहे हैं, तो ये भी आप सोचिए, वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप गुरु दक्षिणा तो उनको कुछ दे नहीं रहे, सेवा उनकी कर रहे हैं। लाइक करके सेवा करिए और इस यज्ञ में जुड़े, इसे भक्ति यज्ञ है, भक्ति योग है, इसी को भक्ति योग बोलते हैं। और हरि नाम जप संकीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ, राम रक्षा स्रोत, आदित्य स्रोत सब बढ़ा दीजिए, जिसका जो बल है, जीत निश्चित है, ये मैं कह रही हूँ, जीत निश्चित है। 5 साल के अंदर, हो सकता 1.5 साल हो जाए, मैं अधिकतम कह रही हूँ, जितना जाप तेज, जितना भगवान की भक्ति तेज, उतना तेज विजय का फल। हम लोग भी 400 सीट पार, हम तो 125 सीट, पूरा जम्बूद्वीप पुनः 5 साल के भीतर। 400 क्या होता है जी, 525 मतलब 525। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में टोटल मिला के करीब 6,000 सीट है, 6,000 से 9,000 सीट है, हमको तो 400 छोड़ दीजिए, 6,000 9,000 अफ्रीका में सलाता नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। आदित्य जी 5 साल के अंदर ये पार्लियामेंट, ये इलेक्शन फिलेक्शन भी जा रहा है, कापलाल कह रहा है कि डेमोक्रेसी वगैरह तो बड़ा एनार्की वाला है, एम्पायर उम्पायर ठीक है, तो अमेरिकन सबको भी लग रहा है रोज रोज का झंझट, कचकच पचपच हटा, एक बार राजा बाबू आ जाए दमदारी से काम। हाँ, ये लोग राजा नहीं बने, होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बाकी सब लोग जंगल में जाएंगे, हम लोग जंगल में रहेंगे। गंगा के तट पे जिनका भला भगवान के तेज में विलय होने में है,
वो भगवान के तेज में मिला है जाने भला सबका। अभी आजकल कलयुग तो ऐसा चल रहा है कि लोग अपना तेज भी बनाने लगे हैं, नया सूर्य बनाने वाले हैं। उसी में मिले होंगे। ठीक है तो फिर नमस्कार करती हूँ, 1 घंटा 9 मिनट हो गया है। जय जगन्नाथ, थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।